हैंडलूम अपने आप में आज उसने फैशन की जगह ली है। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन, आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। नमस्ते टू एवरीवन, दिस इज दीप स्टार, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दीप टॉक्स। अगर आज के समय में आप किसी से भी फैशन ब्रांड्स के बारे में पूछेंगे तो उनके मन में जो सबसे पहले नाम आएंगे वो गुची, कोको शनेल, फेंडी, प्राडा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के ही नाम आएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में है। बट एज एन इंडियन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं, एंड इन चीज़ों को प्रमोट करने की बजाय हम ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ भागते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, बट हमारे देश में भी ऐसी कई आर्ट्स हैं जिन्हें हमें ग्लोबल बनाने की ज़रूरत है, और उनमें से एक ब्रांड है खादी। खादी का इतिहास इंडिया में बहुत गहरा है, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने उस समय पर की थी जब हम लोग ब्रिटिश प्रोडक्शन पर डिपेंड थे, एंड स्वदेशी आंदोलन के थ्रू हमें अपनी एक पहचान बनानी थी। तब महात्मा गांधी ने चरखा यानी स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन किया, जिससे हम कॉटन की स्पिनिंग कर खादी का प्रोडक्शन करते थे, एंड इसी खादी की वजह से हमने अपने आप को प्रूफ किया। भारत की आज़ादी में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके बाद खादी सिल्क वूल जैसे नेचुरल फाइबर से भी बनने लगे। खादी का प्रोडक्शन पूरी तरह से मैनुअली होता है, जिसमें एक भी इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज़ नहीं होता। यही कारण है उसकी क्वालिटी और हाई प्राइस रेट का। आज के मॉडर्न एरा में जहां हम हाई इंटरनेशनल ब्रांड्स को पहनना कूल समझते हैं, वहां हमें खादी का एक नया ट्रेंड सेट करना होगा, और ना सिर्फ खादी का बल्कि ऐसी कई इंडियन आर्ट्स का जो मॉडर्न पीरियड में बहुत कम दिख रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एंड इंडियन आर्ट्स को ग्लोबल बनाने के लिए अपना भी एक छोटा सा योगदान दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।